राधे राधे। तो हम लोग हैं अभी जयपुर में और आज का हमारा टूर होगा मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर। तो पिछला ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा जो कि थे गोविंद देव जी का, जो कि बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत भीड़ थी। तो यहाँ पर रास्ते में है बहुत सारा ट्रैफिक। अभी हम लोग जा रहे हैं मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर और यहाँ पर हमने स्कूटी लगा दी साइड में और यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रखी है क्योंकि वैसे भी लोग आ रहे हैं और नई गाड़ियाँ लेके ज़्यादा लोग आ रहे हैं पूजा के लिए। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और यहाँ पे बस पूजा हो रही है। अधिकतर साइड में पूजा के टाइम शाम को गाड़ियों की पूजा हो रही है। सामने है हनुमान जी का मंदिर और एक तरफ है गणेश जी का मंदिर। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, पहले आपको लेके चलते हैं गणेश जी के मंदिर में अंदर। बाहर से बहुत सुंदर व्यू आ रखा है। यहाँ पर बुधवार को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, मेले के जैसे होता है। तो यहाँ पर अलग अलग रैलियाँ बनी हुई है और यहाँ से देखेंगे गणेश जी की छोटी सी मूर्ति। पहले हमने यहाँ से लिया है प्रसाद और फिर चलते हैं अभी मंदिर के अंदर। पूजा तो शायद हो चुकी, जिस हिसाब से भीड़ लग रही है वैसे पता चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है मंदिर में और बताया जाता है कि इस मंदिर में 760 वर्ष प्राचीन दाहिनी सूंड वाले गणेश जी की विशाल मूर्ति प्रतिष्ठित है। और गणेश जी की ये अद्भुत प्राचीन प्रतिमा 1761 ईस्वी में जयपुर के महाराजा माधव सिंह प्रथम की पटरानी के पीहर मावली गुजरात से मंगवाई गई थी। यह प्रतिमा उस समय लगभग 500 साल पुरानी थी। जयपुर के नगर सेठ पालीवाल गुजरात से श्री गणेश जी की इस प्रतिमा को लेकर आए थे। सेठ पालीवाल ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और उन्हीं के द्वारा श्री गणेश जी की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई थी मोती डूंगरी। और यहाँ पे सबसे अनोखी चीज़ है कि मंदिर में चारों तरफ जितने भी खंभे हैं उन पर राखियाँ बंधी हुई हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत कम जगहों पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारे भी दर्शन हो गए थे ओम श्री गणेशाय नमः। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंदर से कितना सुंदर व्यू है, बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है। सुविधा यहाँ पे पूरी है। और यहाँ पे पूजा का टाइम जो सुबह मंदिर खुलता है, सुबह 6:15 खुल जाता है और शाम को 7 बजे बंद हो जाता है, पूरे दिन खुला हुआ रहता है। तो यहाँ हमने और पास से दर्शन किया आगे आके। तो यहाँ पे भी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। मंदिर में कभी भी भगवान जी की तरफ पीठ करके फ़ोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। तो ये थे हमारे यहाँ के लास्ट दर्शन और अभी चलते हैं बाहर। बाहर भी एक हनुमान जी का मंदिर है, थोड़ी सिद्धियों पर दर्शन में विश्राम लिया और उसके बाद सामने चलते हैं हनुमान जी के मंदिर पर। वहाँ पे भी अलग अलग मंदिर बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी काफ़ी सुंदर हनुमान जी का मंदिर है और काफ़ी बड़ी मूर्ति है। और फिर यहाँ पे साइड में एक माता जी का मंदिर था और ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर। तो यहाँ हम फर्स्ट टाइम आए हैं तो कुछ तो लेके चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे एक छोटी सी दुकान थी, उसमें से हमने लिए छोटे से प्यारे से गणेश जी। बहुत सारी देखने के बाद ये वाली हमको पसंद आई और ये भैया कंटिन्यू फ़ोन पे लगे थे ना। और फिर अब चलते हैं यहाँ से। देखो धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ होती जा रही है क्योंकि नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं। और फिर हमने देखे यहाँ पर हस्की, वो भी तीन तीन एक साथ। मैं तो इनको देख के डर गई थी कि बहुत खतरनाक होते हैं। और ये मंदिर मतलब जो पंडित जी यहाँ पे रहते हैं वो रखते हैं उनके, इनको लेके जा रहे हैं बाहर घुमाने के लिए।
तो यहीं करते हैं वीडियो का एंड। आप सब लोगों का हमारा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल से नए हो तो सब्सक्राइब करिए। था यहाँ का लास्ट व्यू। राधे राधे।